हेलो गाइस, मैं हूँ साहिल और आज हम करेंगे क्लास 12th में चैप्टर 5th एंड पेज 17। चलिए इस पेज पर देखते हैं कौन कौन से नए टाइम्स के यूज बन रहे हैं। पहली लाइन में दे रखा है स्पेसेस ऑफ एंजियोस्पर्म स्ट्रक्चर सच एज रनर राइजोम सकर ट्यूबर ऑफसेट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। जो ये मेथड है रिप्रोडक्शन का, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको ये याद करना है, ये अच्छा नए टाइम्स के यूज बन सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस। इसमें तीन इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आपको ये तीनों याद करने हैं, ये एक बेहतर नी टाइम सिक्योर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, इसमें दे रखा है ऑर्गेनिज्म में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है प्लांट्स आर डिफाइंड एज मोनोशियस और डायोशियस ऑन देयर सेक्सुअलिटी एंड फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इनकी जो सेक्सुअलिटी होती है वो दे रखी है, प्लांट्स डायोशियस या मोनोशियस होते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो आपको ये याद करना है, ये नी टाइम स्किल्स बन सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं, इसमें दे रखा है गैमेट आर हैप्लोइड इन नेचर एंड यूजुअली ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ म्यूटिक डिवीजन। जो गैमेट होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं म्यूटिक डिवीजन का इन डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म, बट इन हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म गैमेट आर फॉर्म्ड बाय मिटोसिस। तो आपको ये याद करना है डिफरेंस, ये नी टाइम स्किल्स में आ सकता है। अब नेक्स्ट लाइन में दे रखा है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इज एन इसेंशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इन यूनिसेक्सुअल एनिमल इट अकर बाय कोपुलेशन और सिमल्टेनियस रिलीज। तो आपको ये याद करना है, ये आपका नी टाइम स्किल्स बन सकता है। एंजियोस्पर्म स्पीसीज में क्या होता है, एक स्पेशल प्रोसेस होती है पोलिनेशन की जो एंश्योर करती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक। तो आपको यह याद करना है, ये एक अच्छा नी टाइम स्किल्स बन सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे दर्क है सिंगेमी, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, अकर बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंगेमी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड जाइगोट। तो आपको ये याद करना है, आपका नी टाइम स्किल्स इस पे आ सकता है। लास्ट लाइन में दे रखा है इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजेनिटर ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन द एम्ब्रियो। तो आपको ये लाइन याद करनी है, आपकी ये नी टाइम स्किल्स आ सकती है। इस पेज पर इतने ही नी टाइम स्किल्स बन रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।